हेलो बच्चों वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग तीन के पार्ट ग्यारह जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसका धीरे धीरे समझेंगे चलिए शुरू करते हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो सिनेमा जगत में जो हमारा हिंदी का सिनेमा था उसमें आए जो भी चेंजेस थे जो भी परिवर्तन थे उनको दिखाने की कोशिश की है शुरुआत में मुख फिल्में बनती थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी और धीरे धीरे फिर उस सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाक फिल्में यानी बोलते वाली फिल्में बननी शुरू हो गई इसमें यही दिखा रखा है चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं वे सभी सजीव थे सजीव मतलब जीवित सांस ले रहे हैं शत प्रतिशत मतलब हंड्रेड परसेंट बोल रहे हैं अठहत्तर मुर्दा इंसान जिंदा हो गए उनको बोलते बातें करते देखो देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी लेखक लिखते हैं कि देश की जो पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी जिनका मतलब था कि वे जो फिल्म में जितने भी पात्र हैं कैरेक्टर हैं वे सभी जीवित हैं और वो सब आपको बोलते दिखाई देंगे बातें करते दिखाई देंगे और यह जो पोस्टर थे विज्ञापन थे यह लोगों को आकर्षित करने के लिए थे और यही आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था अब शुरू करते हैं कि चौदह मार्च उन्नीस सौ की वह ऐतिहासिक तारक ऐतिहासिक मतलब इम्पोर्टेंट तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था शिखर मतलब टॉप पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था तो देखिए लेखक लिखते हैं कि जिस साल पहली बोलती फिल्म पर्दे पर आई उस साल कई मूग फिल्में भी अलग अलग भाषाओं में बनी थी ऐसे नहीं था कि एकदम से ही मूग फिल्में बन बनना बंद हो चुकी थी बेशक बोलती फिल्म आ गई थी और वो भी अलग अलग भाषाओं में मूग फिल्में फिर भी बन रही थी आगे करते हैं कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा ये जो आलम आरा जो पहली बोलती हुई फिल्म थी उसको बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देर एम ईरानी अर्देशिर एम ईरानी अर्देशिर ने उन्नीस में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी लेखक लिक लिखते हैं कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने का, का काम अर्देशिर एम ईरानी ने किया था उन्होंने उन्नीस में कोई बोलती हुई फिल्म बोट देखी थी जिससे उन्होंने सोचा कि वे भी भारतीय सिनेमा में कोई बोलती हुई फिल्म जरूर बनाएंगे रंगमंच रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई इस नाटक के कई गाने जो के तो फिल्मों में ले लिए गए एक इंटरव्यू में अर्दशीर ने उस वक्त कहा हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था गीतकार नहीं था संगीतकार नहीं था इन सब की शुरुआत होनी थी अर्ध ने फिल्मों के के गाने के लिए स्वयं भी धुने चुनी फिल्म के संगीत में महज तीन वाद्य तबला हारमोनियम और वायलन का इस्तेमाल किया गया आलम आराम संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने डब्ल्यू एम खान पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है तो इसकी व्याख्या है कि जब अर्धेश्वर ने देखा कि पारसी के रंगमंच नाटकों को लोग बहुत पसंद करते हैं तो उन्होंने सोचा कि, कि किसी पारसी नाटक की कहानी पर ही फिल्म बनाई जाए अर्धेश्वर ने फैसला किया कि जो इस नाटक के गाने थे वो भी लोगों को जो बहुत पसंद थे वो गाने भी वैसे कि वैसे ही फिल्म में शामिल कर दिए एक इंटरव्यू में साक्षात्कार में अर्देशिर ने कहा कि उस समय कोई डायलॉग राइटर नहीं होते थे संवाद लेखक मतलब कि डायलॉग्स कोई जो भी फिल्म बनती है उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो कोई लिखने वाला नहीं था कोई भी गीतकार नहीं था कोई भी संगीत बनाने वाला नहीं था इन सब की शुरुआत होनी थी इनके बाद इनकी ज़रूरत महसूस हुई कि एक फिल्म को अच्छी तरह बनाने के लिए कोई डायलॉग राइटर भी होने चाहिए गीतकार भी होने चाहिए जो गाने अच्छे से लिखे और जो लोगों में मशहूर हो कुछ संगीतकार भी होने चाहिए लेखक कहते हैं कि पहले मुख्य फिल्में बनती थी तो इनमें कोई गाने या किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी लेकिन अब जो बोलने वाली फिल्में बन गई थी इसलिए गीतकार और संगीतकार की जरूरत महसूस हुई आलम आरा के गानों में संगीत के लिए उन्होंने खुद ही धुने चुनी और सिर्फ तीन वाद्य तीन इंस्ट्रूमेंट तबला हारमोनियम और वायलन का इस्तेमाल किया गया इस आलम आरा फिल्म में कई संगीतकार और गीतकारों ने मिलकर ही उसके संगीत और गीत का बनाया था इसमें पहले इसके पहले पार्श्व गायक बने थे डब्ल्यू एम खान और उनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है आगे लिखते हैं कि आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क डिस्क पर फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी क्योंकि अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी और यहीं से प्रकाश प्रणाली बड़ी जो आगे फिल्म हिस्सा का फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी तो देखिए इसमें लेखक लिखते हैं कि पहले मूक फिल्में बनती थी तो उस समय कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता था कि संगीत की रिकॉर्ड करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो फिर और फिल्म की शूटिंग दिन में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे के कारण रात में करनी पड़ती थी और लेकिन जो मूक फिल्में थीं वो अधिकतर दिन के प्रकाश में भी शूट कर लेते थे लेकिन आलमारा के लिए रात को शूटिंग करना जरूरी समझा गया इसमें आर्टिफिशियल प्रकाश डालना पड़ा और जिसको दिन जैसा दिखाना पड़ा और यहीं से हमारी जो लाइटिंग इफेक्ट हैं जो आजकल हम मूवीज़ में देखते हैं वही वहाँ से शुरुआत हुई और वो अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए डेढ़ सौ से अधिक मूक और लगभग सौ सवाक फिल्में बनाई लेखक लिखते हैं कि आलम आरा जो पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म थी उसे कई स्टार और जो टेक्नीशियन जैसे गीतकार लाइटमैन या जो भी डायलॉग राइटर थे ये भारतीय की इंडस्ट्री को मिले भारतीय सिनेमा में अर्धेर की कंपनी ने भी भारत भारतीय सिनेमा में डेढ़ सौ से अधिक मूक बिना बोलने वाली और लगभग सौ बोलने वाली फिल्में बनाई थी आगे लिखते हैं कि जो आलम आरा फिल्म थी वो अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटसी थी फैंटसी मतलब अट्रैक्टिव थी लुभाने वाली थी फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे इसमें लेखक लिखते हैं कि जो आलम आरा फिल्म में अरेबियन जो ये फिल्म थी उस समय की प्रचलित अरेबियन नाइट्स जैसी फिल्म की तरह ही आकर्षित करती थी लोगों को और फिल्म फिल्म में हिंदू उर्दू हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया गया था इसमें गीत संगीत तथा नृत्य भी जोड़े गए थे जो इससे पहले नहीं होते थे इस फिल्म की जो नायिका थी वो जुबेदा थी नायक थे विठल नायिका थी जुबेदा जी और नायक थे विट्ठल ये उस फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस थे वे उस दौर के सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो वेतन लेते थे ये वो स्टार थे उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफी चर्चित है विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब जो उस समय के दूसरे स्टार थे नायक थे उनको नायक बना दिया गया विठल नाराज हो गए और अपना हक़ पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया देखिए जो आलमारा फिल्म थी इसके जो एक्ट्रेस थी जो नायिका थी वो जुबेदा जी थी और इसके जो नायक थे वे विठल थे लेकिन और वो दोनों उस समय सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले स्टार थे लेकिन जो ये विट्ठल जी थे उनको उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी और जैसे ही पहले हमने पढ़ा था कि यह फिल्म हिंदू उर्दू से मिश्रित थी इसमें तो उनको नायक से हटा दिया गया और उनकी जगह महबूब जी को रख लिया गया तो इस पर विठल जी नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही तो इसमें लेखक लिखते हैं कि जो उनको नायक हटाने के बाद उन्होंने जो मुकदमा लड़ा था तो उनको उनके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना जी और वो उसमें जीत गए थे और भारत की जो पहली फिल्म थी वो उसके नायक बने थे और इसी तरह उनकी कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया मराठी और हिंदी फिल्मों में भी वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे सक्रिय मतलब वो काम करते रहे इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी पृथ्वीराज कपूर याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने इसमें ये लेखक जी कहते हैं कि जो विठल जी थे उन्होंने मराठी और काफ़ी हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी समय तक बतौर नायक के रूप में और स्टंटमैन के रूप में काम किया इसके अलावा जो आलमारा फिल्म थी उसमें सोहराब मोदी पृथ्वीराज कपूर याकूब और जगदीश सेठी जैसे अलग अलग अभिनेता थे और वो आगे चलकर भी उन्होंने भारत की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए थे यह फिल्म चौदह मार्च उन्नीस सौ इकतीस को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई फिल्म आठ सप्ताह तक हाउसफुल चली हाउसफुल मतलब उसमें पूरा कोई भी सीट खाली नहीं थी और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटसी भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी यह फिल्म दस हजार फुट थी और इसे चार महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था इसमें लेखक कहते हैं कि फिल्म आलम आरा चौदह मार्च उन्नीस सौ इकतीस को मुंबई के जो मेजेस्टिक सिनेमा था उसमें प्रदर्शित हुई फिल्म आठ सप्ताह तक हाउसफुल रही मतलब उसमें एक भी सीट खाली नहीं रहती थी और लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था पूरे सिनेमा हॉल में कोई भी बैठने की जगह नहीं रहती थी भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना उसे अपने काबू में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता था इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इसे देखने के लिए सिनेमा हॉलों में लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती थी जो वहाँ पे जांच करने वाले थे उन्होंने इस फिल्म की जांच पड़ताल की और उन्हें इस फिल्म को भड़कीली फैंटसी फिल्म का नाम दे दिया क्योंकि यह पहली बार भड़कीली भाषा और पोशाक का इस्तेमाल किया गया था यह दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव थी यह एक नए तरीके की फिल्म थी जैसे कि हम बता चुके हैं कि पहले मूक फिल्में बिना बोलने वाली फिल्में बनती थी और उसमें किसी तरह का कोई गीत संगीत म्यूजिक या डायलॉग्स नहीं होते थे लेकिन इस फिल्म में इन सब से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और यह जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी जो रील थी वह दस हजार फुट लंबी थी ये बहुत ही ज्यादा लंबी थी और इस फिल्म को बनाने में चार महीनों की कड़ी मेहनत लग गई थी चलिए आगे शुरू करते हैं कि सवाक फिल्मों के लिए पुरानी कथाओं पारसी रंगमंचों के नाटकों अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था इसके कारण सिनेमाओं को ब्रिटिश प्रशासकों ने की तीखी नजर का सामना करना पड़ा देखिए तो ये लेखक कहते हैं कि जब ये बोलती फिल्में बनने लगी तो पुराने समय की कहानियां जैसे रामायण महाभारत हरिश्चंद्र या जो पारसी धर्म के जो लेक स्टेज पर नाचते नाचते खेलते थे उनकी कहानियाँ उन पर आधारित या जो अरब देश की जो नायक नायिकाएँ थे प्रेम प्रेम प्रेमी प्रेमिकाओं की जो कहानियाँ थी उनका फिल्म का विषय मतलब उनके बेस पर फिल्में बननी शुरू हो गई इसके अलावा जो समाज के मुद्दे थे जिनसे उठाकर समाज में सुधार लाया जा सकता था इन इस तरह के जो विषय थे सब्जेक्ट थे उनको भी चुना गया और उन पर फिल्में बनाई जाने लगी ऐसे ही एक फिल्म खुदा की शांति जिस पर हमारे उस समय भारत गुलाम था और ब्रिटिश सरकार के अंडर था मतलब ब्रिटिश सरकार भारत पर राज करती थी तो ब्रिटिश को यह फिल्म अच्छी नहीं लगी इस जो क्योंकि उसमें जो एक पात्र था जो एक्टर था वह महात्मा गांधी जैसा लग रहा था और ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ कोई संदेश तो नहीं दिया जा रहा इसलिए इस फिल्म के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार अपनी नजर बनाए हुए थी वो बिल्कुल ध्यान दे रही थी स्वाक आगे है कि स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कर, कराने वाला निर्माता निर्देशक अर्धशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने मौके पर कहा था मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है मैंने को तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है तो ये लेखक कहते हैं कि जब ये बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो उस जो पहली फिल्म थी आलम आरा उसके जो निर्देशक थे निर्माता थे अर्देशीर वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे बहुत ही पोलाइट थे और जब उनको उन्नीस में आलम आरा बनाने और जब वो पच्चीस साल के हो गए थे फिल्म मतलब आलम आरा फिल्म के पूरे पच्चीस साल हो गए थे चलते चलते तो उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें फिल्म सबाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हों उनको इतनी बड़ी उपाधि को देने की जरूरत नहीं है ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और मानते थे कि उन्होंने इतना कोई बड़ा काम नहीं किया है यह तो उनका देश के लिए एक छोटा सा योगदान है आगे है कि जब पहली बार भारतीय सिनेमा ने बोलना सीख लिया सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे संवाद मतलब डायलॉग्स जो जो किसी फिल्म को मतलब अच्छा या बुरा बना सकते हैं सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था मूक फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था और गाने, गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक स्वाग दौर में फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे तो ये लेखक कहते हैं कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया था कि जब उसमें आवाज़ें और फिल्मों में आवाजें आने लगी थी तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे एक्टर एक्ट्रेस मतलब अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी लगने लगी क्योंकि अब केवल अभिनय से काम नहीं चलता था सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलता था अब जो डायलॉग लिखे जाते थे या जो संवाद लिखे जाते थे वो भी पढ़ने के लिए उनको पढ़कर याद करने के लिए अभिनेता अभिनेत्री चाहिए थे इसलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगी थी पहले जो मूक फिल्में बनती थी उसमें पहलवान जैसे शरीर वाले या कर्तव्य या उछल कूद करने वाले लोगों से काम चल जाता था लेकिन उसमें किसी भी तरह कोई गीत या डायलॉग की आवश्यकता नहीं थी परंतु जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो उसमें संगीत और डायलॉग की जगह दे दी गई और अभिनेता या अभिनेत्री को डायलॉग बोलने थे यानी कि एक प्रभावशाली संवाद बोलना जिसको सुनकर दर्शक आकर्षित हो सकें और उन पर बेहतरीन असर छोड़ जाए इसमें इसके लिए गीत और संगीत की भी कदर की जाने लगी उनको बा, बा, काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा आ, इसके बाद है कि आलम आरा के बाद फिल्म में गायक गायिका बड़े पर्दे पर भी नजर आने लगे थे आगे चलते हैं कि हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बड़ा सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ लेखक कहते हैं कि जब बोलने वाली फिल्मों में डायलॉग और गीत संगीत को महत्व दिया जाने लगा तो आलम आरा के बाद जो शुरुआत हुई थी बोलने वाली फिल्म भी वहां पे भी गायक गायिका अभिनेता बड़े बड़े पर्दे पर दिखने लगे थे वो भी गीत गा रहे थे और वो सिनेमा पर्दे पर नजर आने लगे थे भारत में हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं के तालमेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा ताकि लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके सिनेमा के उसमें शरीर और तकनीक की भाषा की जगह लोगों की भाषा को फिल्मों में आमचाल बोलने वाली भाषाओं का प्रचलन शुरू हुआ क्योंकि वही लोगों को ज्यादा पसंद आती थी और लोग इसे ज्यादा फिल्में देखना शुरू कर दिया। सिनेमा सिनेमा जैसी देसी हुआ एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा तो प्रतिबिंब मतलब परछाई शेडो लेखक लिखते हैं कि जब सिनेमा में आम बोलचाल की भाषा शुरू होने लगी तो सिनेमा ज़्यादा आम दुनिया से जुड़ गया आम लोगों से जुड़ गया और यह एक प्रकार की आज़ादी थी जिसे आगे चलकर आम लोगों के जीवन की परछाई फिल्मों में दिखाई देने लगी लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उन्हीं की कहानी फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही है और वे अपने ही जीवन से जुड़ी कहानी देख रहे हैं आगे करते हैं कि अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में लोकप्रिय थी औरतें अपनी के सजा उसी तरह कर रही थी अर्धशिर तो इसमें हम करते हैं कि लेखक कहते हैं कि उस समय जो भी अभिनेता या अभिनेत्री जो भी वहाँ पे अभिनव करते थे जैसे वो कपड़े डालते थे या जिस तरह के फैशन या हेयर स्टाइल या जो भी करते थे तो लोग भी उसी प्रकार से उनकी नकल करने लगते कि वो भी उन चीज़ों को पसंद करते थे कुछ औरतें जो नायिका सुलोचना थी उनकी तरह हेयर स्टाइल करती थी और वो लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी अर्देशिर इलानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया स्वयं भारत के अलावा श्रीलंका बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद आ गई थी। जो जी ने जो ये आलमारा फिल्म बनाई थी वह भारत के अलावा उसमें भारतीय कलाकारों के अलावा ईरान के जो कलाकार थे उन्होंने भी उसमें अभिनय किया था और यह भारत के अलावा श्रीलंका बर्मा और पश्चिम एशिया में काफी पसंद की गई थी चलिए आगे करते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वாக் सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था लेखक कहते हैं कि जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई तब पहली फिल्म बनाने वाले फालके को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है जिनसे फिल्मों का आरंभ हुआ जब बोलने वाली फिल्में बनाने लगे थे तो उनके जनक की मान लो ये जो अर्धशीर ईरानी थे उनको पिता की जो उपलब्धि दी गई थी वह उन्हें स्वीकार ही करनी थी क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हुआ था एक नया युग शुरू हुआ था अब बोलने वाली फिल्में बनने लगी थी एक बड़ा परिवर्तन जो भारत के हिंदी सिनेमा में देखने को मिला था आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक्स